तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच का पार्ट हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। इसके लिए चार चेन लेंगे, 1 2 3 4, और तीन सिंगल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर हमें, तो एक चेन छोड़ देंगे, नेक्स्ट में डालनी है। ये देखिए वापस से हम ये चेन की बैक साइड में बना लेंगे। ये मैं चार सिंगल क्रोशिया इसमें बनाए हैं और तीन हुए, तो टोटल सात सिंगल क्रोशिया यहाँ पर लेने हैं। ये देखिए ये मैंने सात सिंगल क्रोशिए बना लिए हैं। अभी एक चेन लेके वापस से सिंगल क्रोशिए बनाएंगे। बैक साइड में बनाना है। ये इसके लास्ट तक बना लेना है। ये देखिए अभी इसके ऊपर वापिस से चार चेन लेंगे। ये चेन छोड़ देंगे, इसमें डाल लेंगे, तीन सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं चार चेन पर। और ये इसकी बैक साइड वाली चेन लेनी है। तो ये देखिए लास्ट तक यहाँ तक हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेनी है, चेन लेके और एक ये वाला छोड़ देंगे, इसमें डाल लेंगे ये वाला छोड़ के इसमें। इस तरह से बना लेना है। ये इतना थोड़ा सा दिखेगा या बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ा नहीं रहेगा। अब वापिस से बैक साइड का, ये कंटिन्यू बनाते जाएंगे, और वापिस से चार तीन सिंगल क्रोशिया ऊपर बनाएंगे तो चार चेन ले लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से इसके ये दो डिजाइन बने हैं और ये थर्ड है। तो अब हमें यहाँ पर वापिस एक चेन लेके और यहाँ पर बांध देना है, एक छोड़ के फिर बांधना है, जिससे ये अच्छे से आ जाए होल। तो ये भी एक डिजाइन बन जाएगा बीच में जो होता है। ये आप सिंगल क्रोशिया से बांध सकते हैं या स्लिप स्टिच से भी। तो ये देखिए इस तरह से ये आएगा एक चेन। इसमें हमारे ये तीन डिजाइन हैं, ये देखिए 1 2 3 और ये 4, ये चौथा है। इसमें हम तीन ही रखेंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से वापस कम कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही बना के ले जाना है। और यहाँ तक बनाना है इसके बराबर तक, यानी तीन चेन ऊपर छोड़ देनी है और यहाँ तक लेना है।
तो ये देखिए ये इसके बराबर बन गया है, और इसी तरह से इसके बराबर हमने ये वाला ले लिया है। अब हम यहीं से नेक्स्ट पेटल बनाएंगे जो लास्ट वाली है हमारी, ये वाली। तो उसके लिए चार चेन लेंगे, सेम जैसे ये बनाई थी हमने वैसे ही बनानी है। ये चार चेन हो गई, यानी इसके बराबर आना चाहिए। एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में इस तरह से तीन सिंगल क्रोशिए, और अब चार पांच छह सिंगल क्रोशिए बनाऊंगी इसमें। मैं उसमें मैंने इस वाली में सात बनाए थे, तो अभी मैं छह बनाऊंगी। एक चेन लेके टर्न कर, तो ये देखिए उसी जैसे इसमें बनाया था सेम वैसे ही मैंने ये वाला पार्ट बना लिया, चार चेन आगे लेके। और अब ये यहाँ तक बन गया है पूरा, तो एक चेन लेके और एक ये वाला छोड़ देंगे इसमें डाल लेने। एक चेन लेंगे, इसमें भी हम इसके बराबर ही बनाएंगे। और जस्ट इसके पास वाले से शुरू करेंगे, तो ये एक बार और ले लेंगे चार चेन ऊपर। और इसके बाद हमें कम करते जाएंगे, दो हमारे डिजाइन आ जाएंगे उसके बाद। तो दो डिजाइन इसके बन गए हैं, ये थर्ड है बीच का, तो इसके बाद हम कम कर लेंगे। इसी तरह से ले जाके और यहाँ पर एक चेन छोड़ के बांध लेना है, एक चेन लेके। तो ये देखिए अब मेरे को कम करना है, तो मैं इसके बराबर ही ले लूँगी। फिर चेन लेके और वापस नीचे की साइड जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इसके बराबर लेके और ख़त्म कर देंगे इसको। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। और अब जो लास्ट में आएंगे उसके बाद इसको यहाँ पर बांध लेंगे, ये बीच वाला जो है चार चेन वाला इसमें। तो इस तरह से यहीं पे काट लेना है उनको। तो ये देखिए इसका एक साइड का पार्ट बन गया है। अब हम दूसरी साइड का शुरू करेंगे। तो यहाँ से ही शुरू कर लेंगे। अब चार चेन लेनी है ऊपर की साइड, और सात सिंगल क्रोशिए बनाएंगे यहाँ तक। एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में डाल लेंगे।
काउंट करके बनाने हैं हमें, तीन इधर हैं तो चार ये इसमें बनाने हैं, तो सात ही होने चाहिए। उसके बाद एक चेन लेंगे और ये वाला छोड़ेंगे, इसमें बंद देंगे। चेन लेके नेक्स्ट चार चेन वापिस से ऊपर, इसी तरह ले जाके एक चेन लेके और यहाँ पर बांध लेंगे ये वाला छोड़ के इसमें। तो ये देखिए इसके दो डिजाइन हो गए हैं। अब हम यहाँ इसके नीचे रखेंगे तीन चेन और कम करते जाएंगे। तो ये देखिए ये इसके बराबर आ गया और नेक्स्ट इसके बराबर बना लेंगे सेम इसी तरह से जैसे हमने इधर बनाए हैं। तो ये देखिए ये वाला पार्ट भी इसका पूरा हो गया है, ये देखिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट एक और बनेगा, तो उसके लिए हमें चार चेन ले लेंगे यहीं पर। ये छह ही लेने हैं, तीन ऊपर और तीन नीचे। टर्न करेंगे और वापिस से ऊपर की साइड चार चेन, तो देखिए लास्ट वाला फिर वापस से हम इसके बराबर ही रखेंगे तीन चेन छोड़ के।
तो ये देखिए इस तरह से एक चेन लेके अब हम जो बीच वाला है इसमें बांध लेंगे। और यहाँ पर डंठल बनाएंगे इसका, ये जितना बड़ा लेंथ रखना चाहें उतना बना सकते हैं। लास्ट में वापस से चार चेन वाले बीच में डाल लेने। तो ये देखिए लीफ हमारा बनके तैयार हो गया है, बहुत सुंदर बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स लीफ हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से हम इसे बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए दो, चाहे तो अलग अलग कलर का बना सकते हैं।